नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। राजस्थान के कोटा में फंसे महाराष्ट्र के छात्रों को बड़ी राहत मिल सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने आज घुले से 100 एसी बस कोटा भेजने का फैसला किया है। राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब ने इसका ऐलान किया। लॉकडाउन की वजह से कोटा में फंसे छात्रों को अपने अपने राज्य में वापस ले जाने की मांग लगातार बढ़ रही है। यूपी की योगी सरकार कोटा बसें भेजकर अपने छात्रों को वापस ला चुकी है। महाराष्ट्र के छात्रों को भी कोटा से वापस लाने की बात पर महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बढ़ रहा था। कानपुर के हैलट अस्पताल के एक कर्मचारी से मारपीट के आरोप में पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। अस्पताल के कर्मचारी से मारपीट का आरोप वहां कोरोना के इलाज के लिए भर्ती तबलीगी जमात के कुछ लोगों पर लगा, जिनकी शिकायत दर्ज करवाने के बाद अस्पताल के बाहर पुलिस की तैनाती कर दी गई। घटना से पहले का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें तबलीगी जमात से जुड़े कोरोना मरीज खाने पीने के सामान से भरे एक स्ट्रेचर के पास खड़े नजर आए। आरोप है कि यहीं पर बिरयानी और नॉनवेज खाने की मांग पर उनकी अस्पताल के कर्मचारियों से बहस हुई और एक कर्मचारी के साथ मारपीट भी की गई। वार्ड बॉय वो भागा है सीढ़ियों से अपनी जान बचा के, क्योंकि पता नहीं है क्या कर दे, फिर भी उसको दो चार हाथ पड़ गया। अस्पताल प्रशासन की शिकायत पर पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली। साथ ही यूपी सरकार ने अस्पताल में हुई इस घटना की कड़ी निंदा की। ये जो एजेंडा है, ये मानसिकता जो है कहीं से प्रेरित है और देश को ये देशद्रोही की श्रृंखला में आती है। हैलट अस्पताल के अलावा कानपुर के ही कांशीराम अस्पताल में भी कोरोना मरीजों के हंगामे की खबर सामने आई। आरोप है कि वहां भर्ती कुछ मरीजों ने अस्पताल से भागने की कोशिश की और रोके जाने पर उन्होंने वहां तोड़फोड़ कर दी। अस्पताल के एक वार्ड के दरवाजे का कांच टूटा नजर आया और फर्श पर खून के कुछ निशान भी दिखे। साथ ही रिसेप्शन के पास लगा बोर्ड भी जमीन पर गिरा दिखा। बताया गया कि कांशीराम अस्पताल में कोरोना के 65 मरीज भर्ती हैं, जिनमें 38 तबलीगी जमात से जुड़े हैं। इस घटना की शिकायत भी अस्पताल प्रशासन ने पुलिस में दर्ज करवा दी। तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद की कोरोना रिपोर्ट 2 बार नेगेटिव आने का दावा किया गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं मौलाना साद के वकील का कहना है कि जब क्राइम ब्रांच रिपोर्ट मांगेगी तो उन्हें सौंप दी जाएगी। बताया गया कि पुलिस किसी सरकारी और मान्यता प्राप्त अस्पताल की रिपोर्ट ही चाहती है, जो कि अभी पहली बार निजी लैब से टेस्ट करवाने के बाद मौलाना साद ने दूसरी जांच कहां से करवाई, इसकी जानकारी मौलाना साद की ओर से अभी नहीं दी गई है। चीन के हुनान में बिना ड्राइवर के चलने वाली टैक्सी की शुरुआत की गई। कोरोना वायरस की वजह से भले ही दुनिया के ज्यादातर देश ठप पड़े हों, लेकिन चीन में जिंदगी पटरी पर लौट रही और वहां के हुनान प्रांत में तो ड्राइवर के बिना चलने वाली सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी की भी शुरुआत हो गई। सामने आए वीडियो में एक महिला मोबाइल ऐप से टैक्सी को बुक करती नजर आई। थोड़ी देर में ही टैक्सी उसके पास पहुंच गई, जिसके बाद उसमें मौजूद एक कर्मचारी ने गाड़ी को सैनिटाइज किया और महिला के तापमान की जांच की। जांच के बाद महिला टैक्सी में सवार हो गई और GPS तकनीक से लैस वो टैक्सी अपने आप ही सड़क पर चलने लगी। इसी तरह कुछ और लोग भी बिना ड्राइवर वाली इस टैक्सी की सवारी करते नजर आए। इस दौरान ये टैक्सी ट्रैफिक सिग्नल पर भी अपने आप रुकती दिखी। हालांकि यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से इस टैक्सी में फिलहाल एक कर्मचारी को भी तैनात किया गया है। लॉकडाउन के बीच गुजरात के अलग अलग हिस्सों में 10 से 12 लाख लोग फंसे हैं और इनमें शामिल दूसरे राज्यों के मजदूरों को वापस भेजा गया है। सबसे पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश के मजदूरों को परिवार समेत उनके राज्यों की सीमा तक पहुंचाया जा रहा है। गुजरात के बनासकांठा जिले में ऐसे ही करीब 600 मजदूर लॉकडाउन के बाद शेल्टर होम में रह रहे थे, लेकिन राजस्थान रवाना किए जा रहे हैं। सूरत, वलसाड, वडोदरा, दाहोद, पंचमहल से भी बाकी राज्यों के मजदूर परिवारों को वापस अपने राज्य भेजा जा रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलावा जो राज्य हैं, वहां की सरकारों के साथ भी गुजरात सरकार संपर्क में है। मजदूरों को वापस भेजने का रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि माइग्रेंट लेबर को मूव करने की सूचना राज्य सरकार से प्राप्त हुई, जिसमें हमने 14 जितने मध्य प्रदेश के लेबर्स को उस हिसाब से मध्य प्रदेश बॉर्डर पर भेज दिया है। आज राजस्थान सरकार के साथ जो निगोशिएशन हुआ, उसके बाद राज्य सरकार ने जो सूचना दी, उस हिसाब से 542 जितने राजस्थानी माइग्रेंट्स को हमने शेल्टर होम से राजस्थान की बॉर्डर पे पहुंचाया है।
कोरोना की जांच के लिए चीन से मंगाई गई रैपिड टेस्ट किट ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को 145% मुनाफा वसूल कर बेची गई, जिसका पर्दाफाश दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान हुआ। बताया गया कि 27-28 मार्च को ICMR ने 500,000 रैपिड टेस्ट किट का ऑर्डर दिया और एक टेस्ट किट की कीमत ₹600 तय की गई, जिसके लिए मैट्रिक्स लैब्स नाम की कंपनी ने चीन से रैपिड टेस्ट किट मंगाई और उसे रेयर मेटाबॉलिक्स लाइफ साइंसेज नाम की डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए ICMR को सप्लाई करना शुरू किया। लेकिन इसी बीच टेस्ट किट आयात करने वाली कंपनी ने तमिलनाडु के भी एक डिस्ट्रीब्यूटर को उसी किट की अलग रेट पर सप्लाई शुरू कर दी, तो ये विवाद दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया, जहां सुनवाई के दौरान पता चला कि चीन में इस रैपिड टेस्ट की कीमत $3 यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब ₹225 है, जबकि ये किट डिस्ट्रीब्यूटर को ₹400 में दी जा रही थी, जिसे वो ICMR को ₹600 से भी ज़्यादा में बेच रहा था। इस पर सख्ती दिखाते हुए कोर्ट ने टेस्ट किट के दाम में 33% कटौती का आदेश दिया। अब ये समझ आ रहा है कि इसकी खरीद में किस तरह से कथाकथित धांधली हो रही है। सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि इस मामले की तुरंत जांच होनी चाहिए। जबकि ICMR ने सफाई दी कि जिस कंपनी की टेस्ट किट के रेट पर विवाद है, उसकी किट को फील्ड ट्रायल में सही नहीं पाया गया, इसलिए किट की सप्लाई का पूरा ऑर्डर रद्द कर दिया गया। ICMR ने दावा किया कि उस कंपनी को एक पैसे का भी भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके बाद BJP ने कांग्रेस पर पलटवार किया। एक तरफ कहते हैं कि कोरोना का किट मंगाइए, उसकी ज्यादा टेस्टिंग कीजिए, और जब कोरोना का किट मंगाया जाता है तो उसके बारे में तरह तरह के आरोप गढ़ने का काम जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस को कोरोना पर इस तरह की ओछी राजनीति से बाज आना चाहिए। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री से मांग की कि जो लोग दिल्ली में काम करते हैं उन्हें हरियाणा ना भेजा जाए। मेरी दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से ये कहना है कि जो उनके कर्मचारी दिल्ली में काम कर रहे हैं उनके रहने की व्यवस्था वो दिल्ली में ही करें, उनको पास जारी करके हरियाणा में ना भेजें। हरियाणा सरकार ने सीधे शब्दों में दिल्ली सरकार से ये मांग की, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया। सीधे तौर पे कहा गया है कि क्योंकि दिल्ली में काम करते हैं तो उन्हें वहीं रुकने के इंतजाम केजरीवाल सरकार करे, ऐसा कहा गया हरियाणा की तरफ से। एक तरह से जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि दिल्ली की वजह से हरियाणा में पहुंच रहा है कोरोना, ये कहना ठीक नहीं है। इस और में इस विवाद में ज्यादा पड़ना नहीं चाहिए। दिल्ली के द्वारका इलाके में कोरोना वायरस के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने अभियान चलाया और लोगों से लॉकडाउन के दौरान घरों में रहने की अपील की। दिल्ली में कोरोना की वजह से अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और यही वजह रही कि लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए दिल्ली पुलिस ने अभियान चलाया। इस अभियान के तहत पुलिस के 4 जवान कोरोना वायरस की तरह दिखने वाला हेलमेट, सफेद रंग का सूट और मुंह पर मास्क लगाकर सड़क पर चलते दिखाई दिए, जबकि पुलिस के दूसरे जवान लाउडस्पीकर की मदद से लोगों से मास्क पहनने, लॉकडाउन के दौरान घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील करते रहे। कोरोना वायरस को मार भगाने में हमारी मदद करें, आप तमाम लोगों के सतत सहयोग से ही हम इस वायरस को हरा पाएंगे। इस बीच कोरोना वायरस की तरह दिखने वाला हेलमेट पहने पुलिस का एक जवान सड़क किनारे बने एक घर के बाहर पहुंच गया और हाथ के इशारे से वहां खड़े लोगों को घरों में जाने के लिए कहने लगा। कई लोगों के सामने पुलिस वालों ने हाथ जोड़कर उनसे लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। इसका मेन मकसद यह है कि लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता रहे। इसी तरह इलाके की एक सड़क पर पुलिस के जवान हाथ जोड़कर वहां से गुजर रहे बाइक और कार सवार लोगों को कोरोना वायरस के बारे में समझाते दिखे और उनसे बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए गाने से लोकप्रिय गायिका और एक्टर सलमा आगा ने कोरोना संकट पर लोगों से पुलिस और कोरोना योद्धाओं पर हमले ना करने की अपील की। सलमा आगा ने कहा कि लोगों को लॉकडाउन पर पीएम मोदी की अपील को मानना चाहिए और घर के अंदर ही रहना चाहिए। जय भारत। व्यूअर्स को हमारी बहुत ही दरख्वास्त है और रिक्वेस्ट है कुल हिंदुस्तान से कि प्लीज ये जंग अंदर से बैठ के लड़ें। ये जंग वो जंग नहीं है जो बाहर निकल के लड़ी जा सकती है। एक दूसरे से यूनिटी का सबूत दीजिए। आज हमारे लिए कितनी पुलिस, पब्लिक, सोशल वर्कर्स बाहर निकल के जो सब लोगों को देख रहे हैं, काम कर रहे हैं,
कम से कम उनका लिहाज कीजिए, पुलिस को मजबूर मत कीजिए कि आपको लाठियों से मार के वापस भेजिए। ये आपके अपने इंटरेस्ट में है कि जो करें अंदर से बैठ के करें। प्रधानमंत्री जी रोज़ आके मीडिया पे रिक्वेस्ट करते हैं कि घरों में बैठे रहें, तो प्लीज़ कम से कम एक दफ़ा उनकी ये बात मान के देखिए, ये हमारे इंटरेस्ट में है। लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए दिल्ली पुलिस ने गुरुद्वारा बंगला साहब का शुक्रिया अदा किया और गुरुद्वारे की परिक्रमा की। मुश्किल की इस घड़ी में गुरुद्वारा बंगला साहब लाखों गरीबों का सहारा बना और दिल्ली पुलिस ने इसी जज्बे को सलाम किया। लॉकडाउन के दौरान लाखों लोगों की सेवा करने की भावना को सम्मान देने के लिए दिल्ली पुलिस ने गुरुद्वारा बंगला साहब की परिक्रमा की। पुलिस वालों ने अपनी गाड़ियों में बैठकर गुरुद्वारे के चारों ओर चक्कर लगाया और सायरन बजाकर ये संदेश दिया कि सभी को गुरुद्वारा बंगला साहब से सीखना चाहिए। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा रोजाना जरूरतमंदों को खाना खिलाया जा रहा है, साथ ही जो हेल्थ वर्कर हैं उनके भी रहने की अलग अलग गुरुद्वारे में व्यवस्था की जा रही है। दावा है कि गुरुद्वारे में रोजाना करीब 2 लाख लोगों के लिए खाना पकाया जाता है और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग दिन रात इस काम में जुटे रहते हैं। गुरुद्वारे पहुंचे दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने इस काम में भी मदद की और वहां सच्चे सेवा भाव से खाना बनाते नजर आए। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है इन्होंने बहुत बड़े नंबर्स में रोज सेवा की है और हम ये एक हमारी तरफ से छोटा सा जेस्चर है। गुरुद्वारा बंगला साहब की तरफ से केवल लोगों को खाना ही नहीं खिलाया जा रहा बल्कि अलग अलग गुरुद्वारों में स्वास्थ्य कर्मियों के रहने का इंतजाम भी किया गया है। कश्मीर के बडगाम में तेज बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से 2 बहनों की मौत हो गई। बारिश के बाद वहां की नदी नालों में उफान आ गया और बताया गया कि एक ऐसे ही नाले में बहकर 2 बहनों की जान चली गई। घर वालों के मुताबिक दोनों बहनें भेड़ों को घास चरवाने के लिए पास के जंगल में गई, तभी तेज बारिश शुरू हुई और दोनों हादसे का शिकार हो गई। मरने वाली दोनों बहनों की उम्र 14 साल और 6 साल बताई गई। लॉकडाउन के दौरान 38 मछुआरे नाव के जरिए समुद्र के रास्ते चेन्नई से उड़ीसा के गंजाम पहुंच गए। इन मछुआरों ने बताया कि खाने पीने और रहने की दिक्कतें खड़ी होने के बाद उन्होंने गांव लौटने के लिए करीब 2 लाख रुपए खर्च किए थे और इन पैसों से एक नाव खरीदी थी जिस पर सवार होकर ये मछुआरे समुद्र के रास्ते गंजाम पहुंचे। लॉकडाउन में सभी रास्ते बंद होने की वजह से उन्होंने ये रास्ता चुना और 5 दिन में गाँव पहुंच सके। इन मछुआरों के वहां पहुंचने से पहले ही जिला प्रशासन की टीम वहां पहुंच गई, जिसमें शामिल कुछ कर्मचारियों ने इन मछुआरों से जुड़ी सभी जानकारियां जुटाई। 5 दिन में हमारा गांव को आया, तो हमारा राशन डाल के आया था उधर से। गंजाम पहुंचे इन मछुआरों को एहतियात बरतते हुए 14 दिन के लिए क्वारंटीन भी कर दिया गया। हालांकि उनके खाने पीने का इंतजाम वहां किया गया। जिस जगह इन मछुआरों को रखा गया वहां पास में ही कुछ महिलाएं खाना बनाती नजर आईं, जिन्होंने कई पैकेट खाना बनाकर इन मछुआरों में बांटा। हरियाणा के अंबाला में कोरोना संदिग्ध बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार पर पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ा। बाहर से लाकर गांव के शमशान घाट में अंतिम संस्कार का गांव वालों ने विरोध किया, पुलिस पर पत्थरबाजी भी की। इस बीच डीएसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। बवाल बढ़ता देख पुलिस को लाठीचार्ज के साथ ही हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। आखिर में मामला शांत होने पर महिला का अंतिम संस्कार करवाया गया। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया। यहाँ एक सस्पेक्टेड कोरोना डेथ हुई थी, इसके सैंपल भेजे हुए थे और सस्पेक्टेड कोरोना डेथ में जिसका संस्कार के लिए जो डेजिग्नेटेड शमशान घाट था वो इस गांव का था। यहाँ पे डेड बॉडी लेके आए थे और यहाँ के गांव के लोगों ने लॉकडाउन को तोड़ते हुए यहाँ गांव के 200-400 आदमी इकट्ठे हो गए, इनको समझाने की कोशिश करी लेकिन नहीं माने, जिन्होंने पुलिस की टीम पे, डॉक्टरों की टीम पे और हमला किया, एम्बुलेंस के शीशे तोड़े, जिनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी उसके खिलाफ कार्रवाई। मध्य प्रदेश के देवास में खाद्य विभाग के दफ्तर के बाहर राशन लेने के लिए लोग सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से दूर रहने की बात भूल गए। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार और प्रशासन की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की लगातार अपील की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी लोग सुधरने को तैयार नहीं। यही वजह रही कि शहर में मौजूद खाद्य विभाग के दफ्तर के बाहर राशन नहीं मिलने से परेशान लोगों की भीड़ जुट गई। कई लोग ऑफिस की सीढ़ियों पर एक दूसरे के बेहद नजदीक खड़े दिखाई दिए। हालांकि कोरोना वायरस से बचने के लिए वहां मौजूद ज्यादातर लोग मास्क और कपड़े की मदद से मुंह को ढके नजर आए। इस बीच न्यूज 18 की टीम ने खाद्य विभाग के एक अधिकारी से दफ्तर के बाहर लगी लोगों की भीड़ पर सवाल पूछा, लेकिन अधिकारी ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। इतनी भीड़ लगी हुई है, इसके बारे में क्या बोल सकते हैं आप सर? लॉकडाउन के दौरान राशन नहीं मिलने से कई लोग वहां परेशान दिखे,
लाइन में खड़ी एक महिला ने तो अधिकारियों पर कागज पूरे होने पर भी राशन नहीं देने का आरोप लगाया। इसी तरह एक आदमी ने अधिकारियों पर परेशान करने का आरोप लगाया। नगर निगम जाओ, नगर निगम से कहते बोले कलेक्टर ऑफिस में जाओ, कलेक्टर ऑफिस में बोले कहते इसमें राशन ही नहीं आया तुम्हारे नाम का। बिहार के नरकटियागंज में सफाई कर्मियों की मदद करने पहुंचे पूर्व विधायक ने खुद ही नियमों का पालन नहीं किया। पूर्व विधायक राजन तिवारी सफाई कर्मियों को खाने का सामान देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इसके लिए वो अपने साथ समर्थकों की भीड़ लेकर मौके पर गए। सफाई कर्मियों का शुक्रिया अदा करने के लिए वो उन्हें गमछा देते हुए नजर आए, लेकिन इस बीच उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा, उनके इर्द गिर्द मजमा लगा नजर आया। इतना ही नहीं, विधायक के कुछ समर्थकों के चेहरों पर तो मास्क भी नहीं थे। सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि लॉकडाउन लागू होने के बावजूद पूर्वी चंपारण के रहने वाले पूर्व विधायक करीब 80 किलोमीटर दूर नरकटियागंज पहुंचे कैसे। दिल्ली में पालक की आड़ में अवैध शराब की तस्करी का चौंकाने वाला मामला सामने आया। मायापुरी इलाके में हुई इस कार्रवाई में पुलिस को 30 किलो पालक में छिपाकर रखी शराब की 27 बोतलें बरामद हुई। और ये शराब की बोतलें थैलों में ऐसे रखी गई थीं कि कोई भी धोखा खा जाए। पहली नजर में तो पुलिस को भी यही लगा कि थैलियों में पालक है। गश्त के दौरान पुलिस ने मायापुरी में एक आदमी को पकड़ा जिसने स्कूटर पर 30 किलो पालक लादा हुआ था। पालक से भरी कई थैलियां उसने आगे रखी हुई थी और एक गट्ठर उसने पीछे बांधा हुआ था। पुलिस को जरा सी भी भनक नहीं थी कि इन थैलियों में शराब हो सकती है, लेकिन जब उसने तलाशी ली तो शराब की एक दो नहीं कुल 27 बोतलें उसके हाथ लगी। पालक के अंदर इसने दारू छुपा रखी है। पुलिस ने बताया कि 30 किलो पालक की आड़ में अवैध शराब की 27 बोतलों की तस्करी की जा रही थी, लेकिन इससे पहले कि आरोपी कामयाब होता पुलिस ने उसे दबोच लिया। ये देख पालक का तो नाम ही ना हो रहा। इस मामले में स्कूटर सवार को गिरफ्तार कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पंजाब के अमृतसर में कर्फ्यू और लॉकडाउन के समय पुलिस से बचने के लिए छत से छलांग लगा दी गई, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया गया कि ये लोग छत पर ताश खेल रहे थे। वहीं घर वालों का कहना है कि वो किराए के मकान में रह रहे हैं और पुलिस की ओर से उनको डराया गया, जिसके बाद उनके परिवार के लोगों ने घर की छत से ही छलांग लगा दी। परिवार के आरोपों पर पुलिस फिलहाल चुप है और मौके से बिना कोई जवाब दिए पुलिस की टीम रवाना हो गई। पाजी कोठे से बैठे ही ताश खेडन दे ही ते पुलिस आ गई ते ओ भज्जे डरदे कंधा कंध तो छाल मार दित्ती कोठे तो। ठीक है, ते वाजे पुलिस ने फड़ के खड़े जा पुलिस चल गई। पुलिस चलेगी है, एक दी डेथ हो गई है, इना दी लत टूट गई नाले। लॉकडाउन के बीच पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान में राशन नहीं मिलने से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि राशन कार्ड होने के बावजूद उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा, और यही वजह रही कि काफी तादाद में जुटे लोगों ने खाद्य विभाग के दफ्तर के सामने जमकर हंगामा किया। हंगामे की जानकारी मिलते ही दफ्तर का मेन गेट बंद कर दिया गया, साथ ही वहां कई सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात कर दिया गया, जिसके बाद कुछ प्रदर्शनकारी गेट के सामने ही धरने पर बैठ गए। कुछ देर बाद एक पुलिस वाला वहां पहुंचा और प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा। हालांकि प्रदर्शन में शामिल ज्यादातर लोग मास्क और कपड़े से अपने मुंह को ढके नजर आए। राजस्थान के धौलपुर में पंचायत सहायक के साथ मारपीट और गोली मारने का मामला सामने आया है। पंचायत सहायक के इलाके में कोरोना वायरस से निपटने के लिए ड्यूटी लगी हुई है। बताया गया कि दोपहर को जब वो ड्यूटी पर जा रहा था तो रास्ते में एक गांव के लोगों ने उसे घेरा और डंडों से उसकी पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, पंचायत सहायक की टांग पर गोली भी मारी गई, घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मुंबई में कोरोना मरीजों के बढ़ने की आशंका को देखते हुए वहां सबसे बड़े प्रदर्शनी केंद्र नेशनल एग्जीबिशन सेंटर को क्वारंटीन सेंटर में बदला जा रहा है। ये एग्जीबिशन सेंटर मुंबई के गोरेगांव में है और इसमें कुल 5 बड़े हॉल हैं जहां 1000 से ज्यादा बेड लगाए जा रहे हैं, और कुछ हॉल में काम पूरा भी हो चुका है, मरीजों के लिए बेड लगाए जा चुके हैं।
गर्मी को देखते हुए हर बेड पर एक पंखा और एक कुर्सी भी अलग से लगाई गई। ये क्वारंटाइन फैसिलिटी है जहां से मैं आपको ये बेड्स दिखा रही हूं। यहां पर ये 100 बेड की व्यवस्था सिर्फ क्वारंटाइन के लिए की गई है। बाकी जो सारे बेड्स है 1140 ये सारे के सारे ऑक्सीजन सप्लाई के बेड होंगे। गोरेगांव के नेशनल एग्जीबिशन सेंटर में ऐसे कुल 5 हॉल है। कहा जा रहा है कि मई महीने के पहले हफ्ते तक सभी हॉल क्वारंटीन की सुविधा के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारी तैयारी उस लेवल की है, कैसे भी इवेंचुअलिटी आए तो उसके लिए हम लोग तुरंत तैयार होंगे। मरीजों के लिए 1000 से ज्यादा बेड लगाने के साथ वहां हेल्प डेस्क, सैनिटाइजेशन और मेडिकल चेकअप के लिए भी अलग से स्टॉल बनाए गए। इनके अलावा 200 शौचालय भी सेंटर में अब तक बनाए जा चुके हैं। लॉकडाउन के समय प्रयागराज में फंसे छात्र छात्राओं को सीएम योगी के निर्देश पर उनके घर भेजा जा रहा है। इसके लिए यूपी परिवहन निगम की 300 बसों को लगाया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए प्रयागराज में 4 जगहों से इन बसों को रवाना किया जा रहा है। जिन बसों को इंतजाम किया गया है ये यूपी परिवहन निगम की बसें। हम दिखाना चाहेंगे आपको कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के तहत इनमें बच्चों को बैठाया गया है और किस तरह से इन बसों में बच्चे बैठे। एक बस में 26 बच्चों के बैठने की व्यवस्था है और मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर जो बच्चे हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, वो अपने घर जा रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं। और हम एक दो बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए कि यहाँ पर क्या करते हैं और कितने दिनों से फंसे थे और सरकार ने जो ये फैसला लिया घर भेजने का कितना अच्छा है ये? हम यहाँ पे बीएड करते हैं और यहाँ से हम लगभग 2 महीने से लगभग फंसे हुए हैं। सरकार ने जो फैसला लिया बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए। घर पहुँच पाएंगे? हाँ। आप बताइए क्या लग रहा है आपको? सर हमको मतलब ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि सरकार मतलब हम लोग के लिए बहुत अच्छा कदम उठाई है कि मतलब जो लोग जहाँ फंसे हुए हैं उनके घर तक छोड़ रही है। और इससे मतलब बहुत बच्चों को मतलब कि जो यहाँ पर झेलना पड़ता था, किसी पर राशन नहीं है, पैसा नहीं है, काफ़ी मतलब परेशानी होती थी, इसकी वजह से अब मतलब काफ़ी उन लोगों को अच्छी मतलब सुविधा मिली। यदि कोई व्यक्ति अपने घर जाना चाहता है तो उसको भेजने के इंतजाम सरकार कर रही है। और लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना वायरस के जो नीतियाँ हैं निपटने की, उसका हम सब अनुपालन कर रहे हैं। अभी उनको हम यूपी में ला करके बॉर्डर पे रखे हैं। अभी क्वारंटाइन की अवधि पूरी करेंगे, उनकी पूरी मेडिकल परीक्षण होगा, तभी हम छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के मजदूरों को घर लाने के संकेत दिए तो यूपी सरकार के कंट्रोल रूम में अचानक पूछताछ की कॉल ज्यादा आने लगी। बताया गया कि इन दिनों कंट्रोल रूम में आने वाली फोन कॉल की संख्या में 5 गुना बढ़ोतरी हो गई। दिल्ली के यूपी भवन में बनाए गए कॉल सेंटर में दिन रात काम हो रहा है और इसके बावजूद कॉल सेंटर में काम करने वाले लगातार व्यस्त नजर आए। ज्यादातर कॉल करने वाले दूसरे राज्यों में रहने वाले यूपी के मजदूर हैं जो जानना चाह रहे हैं कि वो घर कब और कैसे लौट पाएंगे। मौके तौर पे हमारे पास में आदेश यही है कि जितने भी जाने वाले लोग हैं उनकी सूची बना करके रखिए और उनको सभी को बताइए कि जैसे लॉकडाउन खत्म होगा उसके उपरांत हम सभी के जाने की व्यवस्था करेंगे। असल में मुख्यमंत्री योगी ने जब से रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों में रहने वाले मजदूरों को घर लाने के संकेत दिए हैं, इन मजदूरों की उम्मीदें बढ़ गईं। यूपी भवन के कंट्रोल रूम में कॉल्स आने की संख्या अब काफी बढ़ गई है। पहले 300 से 500 कॉल्स आते थे डेली, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 1500 से 2000 के बीच हो गई है। जितने भी फोन आते कॉल सेंटर के कर्मचारी उनका नाम, पता, फोन नंबर और जरूरी जानकारियां नोट करते दिखे। कितने लोग हैं आपके साथ? 4 लोग हैं। कॉल सेंटर में अब तक 35,000 फोन कॉल आ चुकी हैं और ये सिलसिला जारी है। त्रिपुरा में एक आदमी ने बैटरी से चलने वाली एक ऐसी बाइक बनाई जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने में मददगार साबित हो सकती है। इस बाइक चलाने वाले और पीछे बैठने वाले के लिए इसमें 2 सीट लगाई गई है, उनमें 1 मीटर का फासला रखा गया है। इसी लिहाज से इसे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए काफी अहम माना जा रहा है। इस बाइक में एक बैटरी भी लगाई गई है। दावा है कि एक बार बैटरी चार्ज होने पर 80 किलोमीटर तक इस बाइक से सफर किया जा सकता है। इस बैटरी को पूरी तरह चार्ज होने में 3 घंटे तक लगते हैं। तो लॉकडाउन की वजह से हमने इस बाइक को बनाया है, क्योंकि अगर लॉकडाउन में आपको बहुत जरूरी है और अगर आपको घर से निकलना ही है तो फिर आप 1 मीटर डिस्टेंस को हमेशा मेंटेन कीजिए। निहंग समुदाय के हमले में जख्मी हुए एसआई हरजीत सिंह के लिए पंजाब पुलिस ने मैं भी हरजीत अभियान की शुरुआत की। कोरोना में जारी जंग के बीच अपनी सेवाएं दे रहे स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस वालों और दूसरे ऐसे लोगों में एकजुटता बनाए रखने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया, जिसके बाद चंडीगढ़ में सभी पुलिस वालों की वर्दी पर लगे बैज पर उनके नाम की जगह
हरजीत सिंह लिखा दिखा। ऐसा करके एसआई हरजीत सिंह और सभी पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाने की कोशिश की गई। इससे पहले अलग अलग थानों में तैनात पुलिस वालों ने एक जगह इकट्ठा होकर नारे भी लगाए। पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता के नाम के बैच पर भी एसआई हरजीत सिंह लिखा दिखा। हमारा प्रयास है इससे कि लोगों को जागरूक करने का और उनको अवेयर करने का और इन अटैक्स को उनका रोकने का। इतना ही नहीं, अलग अलग इलाकों में तैनात पुलिस वाले भी हरजीत सिंह के नाम का बैच लगाए ड्यूटी करते नजर आए। सानू हरजीत सिंह की बहादुरी से माण महसूस हो रहा है जी। जो उसने काम किया है बहुत जज्बे नाल किया है, साडा भी हौसला बढ़ता है उसके विच। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी ट्विटर पर हरजीत सिंह की हालत में सुधार का वीडियो शेयर करते हुए खुशी जाहिर की। यूपी के स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाने वाली पीपीई किट के मुद्दे पर कांग्रेस और योगी सरकार आमने सामने आ गए हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि योगी सरकार डॉक्टरों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। इस ट्वीट में प्रियंका ने लिखा कि राज्य के कई मेडिकल कॉलेजों को खराब पीपीई किट दी गई थी। यही नहीं, उन्होंने राज्य सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। लेकिन योगी सरकार के मंत्रियों ने प्रियंका के आरोपों को गंभीरता से नहीं लिया और उन्हें उन राज्यों पर ध्यान देने की नसीहत दी जहां कांग्रेस की सरकारें हैं। प्रियंका जी को तो इतना ही कहूंगा कि दूसरों को नसीहत देने से पहले अपने मुख्यमंत्री जो आपके कुछ हैं वो और उनसे बातचीत कर लीजिए। कोरोना वायरस से बुरी तरह जूझ रहा रूस खतरे के बावजूद सैनिक अभ्यास करने में जुटा है। रूस के करीब 900 सैनिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि वहां कुल मरीजों की तादाद चीन से भी ज्यादा हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद रूस में खतरनाक सैनिक अभ्यास किया गया। अभ्यास के दौरान रूस के कुछ सैनिकों ने आसमान में 10 किलोमीटर की ऊंचाई से छलांग लगाई। रूस की सेना के मुताबिक ये अपनी तरह का पहला सैनिक अभ्यास है जब सैनिकों ने खराब मौसम में इतनी ऊंचाई से छलांग लगाई हो। इस अभ्यास का एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें कई सैनिक सामान ढोने वाले एक विमान में सवार नजर आए। जैसे ही ये विमान आर्कटिक महासागर के ऊपर पहुंचा, उसका दरवाजा खोल दिया गया और उसमें सवार सैनिक एक एक कर नीचे कूदने लगे। थोड़ा नीचे उतरते ही सैनिकों के पैराशूट खुल गए जिनके सहारे वो बर्फ से ढकी सतह पर उतर गए। उतरते ही इन सैनिकों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली और अभ्यास शुरू कर दिया। इस दौरान विमान से गोला बारूद और दूसरे सैनिक साजो सामान को भी नीचे गिराया गया। दिल्ली के करीब फरीदाबाद में खाने पीने का सामान सप्लाई करने वाली एक गाड़ी से शराब की कई पेटियां बरामद की गई। लॉकडाउन की वजह से हरियाणा समेत देश के ज्यादातर राज्यों में शराब की बिक्री पर रोक है, जिसकी वजह से इन इलाकों में तस्करी की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। फरीदाबाद में भी ब्रेड सप्लाई करने वाली एक गाड़ी से शराब की 40 पेटियां बरामद की गई। शराब तस्कर ने चकमा देने के लिए गाड़ी के आगे ब्रेड सप्लाई का स्टिकर भी चिपकाया हुआ था। आबकारी विभाग की टीम को रोकने पर ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई, जिसके बाद पीछा करके गाड़ी को पकड़ लिया गया। लखनऊ में सिंगर कनिका कपूर को पुलिस ने पूछताछ के लिए नोटिस दिया, जिसका वीडियो वायरल हो गया। इस वायरल वीडियो में कनिका कपूर कहीं नजर तो नहीं आ रही हैं, लेकिन दावा इस बात का है कि पुलिस ने उनके हाथों में ही नोटिस थमाया। कहा यह गया कि कनिका कपूर ने घर पर आकर नोटिस देने के लिए नाराजगी जाहिर की और पुलिस को असली मुजरिमों को पकड़ने की नसीहत भी दी। पुलिस ने बताया कि कनिका कपूर को 30 अप्रैल को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया। पुलिस ने उनके खिलाफ कोरोना से जुड़ी जानकारी छुपाने का मामला दर्ज किया है। आज आप सिर्फ नोटिस देने आए हैं? ऐसे ही भिजवा देते कि यहाँ पर बेकार में नाटक होता है, फिर अफवाहें फैलेंगी। जिन्होंने कुछ किया उनको पकड़ी जाके हमारे क्यों पीछे पड़े हैं? हरियाणा से यूपी के सहारनपुर पहुंचे करीब 2200 मजदूरों की स्क्रीनिंग की गई। लॉकडाउन की वजह से फंसे इन मजदूरों को हरियाणा सरकार की तरफ से कई बसों के जरिए सहारनपुर पहुंचाया गया, जहां इन मजदूरों को राधा स्वामी सत्संग ब्यास नाम की धार्मिक संस्था के भवन में ठहराया गया ताकि उनकी स्क्रीनिंग हो सके। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सभी लोगों को एक कतार में खड़ा करवाया गया, जिसके बाद वहां मौजूद डॉक्टरों ने एक एक कर सबकी स्क्रीनिंग की और सब कुछ ठीक होने के बाद उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया गया। प्रॉपर उनकी हम हिस्ट्री ले रहे हैं और थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद ही हम उन्हें आगे मेडिकल परीक्षण के लिए भेज रहे हैं। लॉकडाउन में फंसे इन मजदूरों ने अपने घर पहुंचने में मदद करने के लिए राज्य सरकार का शुक्रिया अदा किया। हरियाणा में फंसे हुए थे हम, यूपी के रहने वाले, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हमें घर भेज रहे हैं। स्क्रीनिंग होने के बाद इन मजदूरों को कई बसों के जरिए उनके घर भिजवा दिया गया। लगभग 90 बसें हैं, सभी बसों में हम लोग 25-25 लोगों को बैठाकर
यहां से संबंधित जनपदों को भेज रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे छात्र और मजदूर जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर में प्रवेश पाने के लिए लखनपुर बॉर्डर अहम है, क्योंकि फिलहाल इसी को खोला गया है और बाकी रास्ते कोरोना की वजह से सील है। लेकिन अब लोगों को अपने घर पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लखनपुर में पहुंचने पर सभी का मेडिकल किया जाता है, फिर सरकारी बसों में बैठाकर घर तक पहुंचाया जा रहा है। कोटा से भी करीब 350 छात्र अपने घर पहुंचे हैं। सभी लोगों को सबसे पहले क्वारंटीन में रहना होगा। बच्चों को लेने के लिए हमारी 15 बसें जो थी वो आज हमने रिसीव की हैं वापस। उसमें 369 के लगभग स्टूडेंट्स हमने रिसीव किए हैं और 213 बच्चे जो है श्रीनगर बाउंड थे, जो 8 बसेज में हमने अभी आपके सामने रवाना कर दिए। इनमें 5 कर दिए कि वो लोग बच्चे भी हैं जो प्राइवेट व्हीकल में जा रहे हैं, जो पहले से यहाँ पर स्टैंडर्ड थे, जिन्होंने 14 डेज का क्वारंटाइन पीरियड अपना पूरा कर लिया। तो ये सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सारे के सारे कोटा से आने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में भेजे जाएंगे। कोरोना वायरस से लड़ाई में जुटे लोगों की सुरक्षा के लिए ITBP रोजाना 1000 PPE किट यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट बना रही है। अहम बात यह है कि ITBP ये PPE किट संस्थाओं और NGO को मुफ्त में दे रही है। और इसके लिए हरियाणा के सबोली में ITBP केंद्र में एक खास PPE प्रोडक्शन यूनिट तैयार की गई है, जहां कई कर्मचारी कोरोना वायरस से बचाव के लिए जरूरी सुरक्षा उपकरण बनाते नजर आए। बताया गया कि यहां रोजाना 1000 PPE किट तो बनती ही हैं, इसके साथ ही यहां रोज करीब 1500 मास्क भी बनाए जा रहे हैं। कई राज्यों की तरफ से ITBP से PPE किट और मास्क की मांग की गई है। कई एजेंसी को ये PPE किट और मास्क उपलब्ध करवाए हैं और कई सारे NGO को ये मास्क दिए हैं, स्कूलों को ये मास्क दिए हैं। बताया गया कि ITBP ने एक PPE किट महज 100 रुपए में बनाई और उसके तैयार किए मास्क की लागत भी 5 रुपए से कम है। फिलहाल ये दावा किया जा रहा है कि रोजाना 1,00,000 PPE किट भारत में बनाई जा रही हैं और अगर इस तरीके की यूनिट अपना काम लगातार करती रही तो ये उत्पादन क्षमता कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। घर से दूर राजस्थान की कोटा में पढ़ाई कर रहे असम के 391 छात्र कई दिन लॉकडाउन में फंसे रहने के बाद अपने घर लौट आए। असम सरकार ने इन बच्चों को वापस लाने का खास इंतजाम किया था। ये सभी छात्र गुवाहाटी पहुंचने के बाद 14 दिन के लिए क्वारंटीन किए गए हैं। पटना में एक सब्जी बेचने वाले और एक सफाई कर्मी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर प्रशासन के होश उड़ गए। बताया गया कि खाजपुरा इलाके में 21 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिनमें पटना एयरपोर्ट पर काम करने वाला एक सफाई कर्मचारी और एक रेड़ी पर सब्जी बेचने वाला भी शामिल है, जिसके बाद प्रशासन ने इनके संपर्क में आ चुके लोगों की तलाश तेज कर दी और इलाके की सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाकर आने जाने वाले लोगों को भी रोक दिया। प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है उन लोगों को चिन्हित करना जो या तो सब्जी वाले से सब्जी खरीदे थे या फिर एयरपोर्ट पर काम करने वाले सफाई कर्मचारी से मिले थे। एहतियात बरतते हुए जिला प्रशासन ने 250 लोगों को क्वारंटीन कर दिया और पूरे इलाके को सील करने के बाद सख्ती भी बढ़ा दी। वहां के विधायक ने भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। संक्रमण का फैलाव और ना हो, इसलिए आप लोगों से भी आग्रह है कि आप अपने अपने घरों में अपने अपने क्षेत्र में लॉकडाउन रहे। दक्षिण दिल्ली के मेहरौली इलाके में खाना बांटने वाले दो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए हैं। ये लोग एक ढाबे के आसपास खाना बांटते थे। बताया गया कि 3 लोगों के टेस्ट हुए थे, जिसमें से 2 की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। प्रशासन एहतियातन उनके संपर्क की जांच में जुट गया है कि किन किन इलाकों में उन्होंने खाना बांटा था। सूत्रों के मुताबिक दोनों मरीज विधायक के वॉलंटियर्स हैं। मामला सामने आने के बाद इलाके को हॉटस्पॉट बनाया गया है। तो दिल्ली में 2 लोग पॉजिटिव आए हैं, मेहरौली इलाके में ये 2 लोग पॉजिटिव आए हैं। बताया गया कि ये लोग खाना बांटने का काम कर रहे थे और एक ढाबे के आसपास खाना बांटते थे। बताया ये भी गया कि 3 लोगों के टेस्ट हुए थे, जिसमें से 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पंजाब के संगरूर में लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए एक जोड़े की शादी हुई। इससे पंजाब पुलिस इतनी खुश हुई कि दुल्हा दुल्हन को रास्ते में रोककर उनका स्वागत किया और मोटरसाइकिल पर जा रहे दुल्हा दुल्हन को पुलिस ने फूल और मिठाइयां देकर बधाई दी। यही नहीं, इस नए जोड़े को पुलिस की गाड़ी ने एस्कॉर्ट कर घर पहुंचाया।
पुलिस के इस रुख से दुल्हन इतनी खुश हुई कि उसने दूसरों को भी इसी तरह सादगी से विवाह करने की सलाह दे डाली। मेनू बहुत अच्छा लग रहा है एंड मैं बाकियों को भी अपील करूंगी भी एवं सादे तौर पर ब्याह करवाने चाहिए। दूल्हे ने बताया कि इस शादी के लिए प्रशासन की इजाजत ली गई थी। साड़ी मैरिज है बिल्कुल सिंपल हुई है, परमिशन प्राण हुई है, पांच बंदे दी बिल्कुल गई सी। देश के दूसरे हिस्सों की तरह पंजाब में भी लॉकडाउन लागू है, लेकिन इस जोड़े ने लॉकडाउन के नियमों का सम्मान किया, इसलिए पुलिस ने इसे दूसरों के लिए मिसाल बताया। जे मैं इन्हें नहीं किया ये भी एक तरह की मिसाल है, पंजाब सरकार के हुक्मों की पालना की इन्होंने। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने नरेला के प्लाज्मा डोनेशन सेंटर का दौरा किया। यहाँ करीब 25 लोगों ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया। दिल्ली के नरेला के इस सेंटर में तबलीगी जमात से जुड़े लोग क्वारंटीन में हैं। दिल्ली सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के इलाज की शुरुआत की है, जिससे पॉजिटिव रिजल्ट आने की संभावना भी है। बस अच्छा ही लग रहा है, इंसानियत के लिए अच्छा हो जाए। मौलाना साहब बोले हम लोग देने के लिए तो हम लोग दे रहे हैं। बहुत खुशी हुई से दो बार भी हम लोग तीन बार भी चेकअप हुआ, उसमें भी हम लोगों निगेटिव पाया गया है। इसलिए हम लोग खून से अगर किसी का शिफा होने वाला है तो हम लोग खुशी से देने आए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को कोरोना संकट से उबारने के लिए मदद का ऐलान किया। खबर है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है, यानी आरबीआई से लोन लेकर म्यूचुअल फंड कंपनियां अपनी जरूरतों के हिसाब से निवेशकों का भुगतान कर सकती हैं। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पिछले हफ्ते फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने म्यूचुअल फंड की 6 योजनाएं बंद कर दी थी और उन योजनाओं में निवेश करने वाले लोगों को अपना पैसा डूबने का खतरा महसूस हो रहा था। इसलिए आरबीआई ने आसान शर्तों पर म्यूचुअल फंड कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया ताकि वो निवेशकों का भुगतान कर सके। इसके लिए 11 मई 2020 तक की समय सीमा तय की गई। राजस्थान के कोटा में फंसे महाराष्ट्र के छात्रों को बड़ी राहत मिल सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने आज धुले से 100 एसी बस कोटा भेजने का फैसला किया है। राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब ने इसका ऐलान किया। लॉकडाउन की वजह से कोटा में फंसे छात्रों को अपने अपने राज्य में वापस ले जाने की मांग लगातार बढ़ रही है। यूपी की योगी सरकार कोटा बसें भेजकर अपने छात्रों को वापस ला चुकी है। महाराष्ट्र के छात्रों को भी कोटा से वापस लाने की बात पर महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बढ़ रहा था। कानपुर के हैलट अस्पताल के एक कर्मचारी से मारपीट के आरोप में पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। अस्पताल के कर्मचारी से मारपीट का आरोप वहां कोरोना के इलाज के लिए भर्ती तबलीगी जमात के कुछ लोगों पर लगा, जिनकी शिकायत दर्ज करवाने के बाद अस्पताल के बाहर पुलिस की तैनाती कर दी गई। घटना से पहले का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें तबलीगी जमात से जुड़े कोरोना मरीज खाने पीने के सामान से भरे एक स्ट्रेचर के पास खड़े नजर आए। आरोप है कि यहीं पर बिरयानी और नॉनवेज खाने की मांग पर उनकी अस्पताल के कर्मचारियों से बहस हुई और एक कर्मचारी के साथ मारपीट भी की गई। वार्ड बॉय वो भागा है सीढ़ियों से अपनी जान बचा के, क्योंकि पता नहीं है क्या करने, फिर भी उसको दो चार हाथ पड़ गया। अस्पताल प्रशासन की शिकायत पर पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली। साथ ही यूपी सरकार ने अस्पताल में हुई इस घटना की कड़ी निंदा की। ये जो एजेंडा है ये मानसिकता जो है कहीं से प्रेरित है और देश को ये देशद्रोही की श्रृंखला में आती है। हैलट अस्पताल के अलावा कानपुर के ही कांशीराम अस्पताल में भी कोरोना मरीजों के हंगामे की खबर सामने आई। आरोप है कि वहां भर्ती कुछ मरीजों ने अस्पताल से भागने की कोशिश की और रोके जाने पर उन्होंने वहां तोड़फोड़ कर दी। अस्पताल के एक वार्ड के दरवाजे का कांच टूटा नजर आया और फर्श पर खून के कुछ निशान भी दिखे। साथ ही रिसेप्शन के पास लगा बोर्ड भी जमीन पर गिरा दिखा। बताया गया कि कांशीराम अस्पताल में कोरोना के 65 मरीज भर्ती हैं, जिनमें 38 तबलीगी जमात से जुड़े हैं। इस घटना की शिकायत भी अस्पताल प्रशासन ने पुलिस में दर्ज करवा दी। तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद की कोरोना रिपोर्ट 2 बार नेगेटिव आने का दावा किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं मौलाना साद के वकील का कहना है कि जब क्राइम ब्रांच रिपोर्ट मांगेगी तो उन्हें सौंप दी जाएगी। बताया गया कि पुलिस किसी सरकारी और मान्यता प्राप्त अस्पताल की रिपोर्ट ही चाहती है, जबकि अभी पहली बार निजी लैब से टेस्ट करवाने के बाद मौलाना साद ने दूसरी जांच कहां से करवाई इसकी जानकारी मौलाना साद की ओर से अभी नहीं दी गई है। चीन के हुनान में बिना ड्राइवर के चलने वाली टैक्सी की शुरुआत की गई। कोरोना वायरस की वजह से भले ही दुनिया के ज्यादातर देश ठप पड़े हों, लेकिन चीन में जिंदगी पटरी पर लौट रही और वहां के हुनान प्रांत में तो ड्राइवर के बिना चलने वाली सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी की भी शुरुआत हो गई। सामने आए वीडियो में एक महिला मोबाइल ऐप से टैक्सी को बुक करती नजर आई। थोड़ी देर में ही टैक्सी उसके पास पहुंच गई,
जिसके बाद उसमें मौजूद एक कर्मचारी ने गाड़ी को सैनिटाइज किया और महिला के तापमान की जांच की। जांच के बाद महिला टैक्सी में सवार हो गई और जीपीएस तकनीक से लैस वो टैक्सी अपने आप ही सड़क पर चलने लगी। इसी तरह कुछ और लोग भी बिना ड्राइवर वाली इस टैक्सी की सवारी करते नजर आए। इस दौरान ये टैक्सी ट्रैफिक सिग्नल पर भी अपने आप रुकती दिखी। हालांकि यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से इस टैक्सी में फिलहाल एक कर्मचारी को भी तैनात किया गया है। आज की ताजा खबर में एक ब्रेक, बने रहिए न्यूज 18 इंडिया के साथ।